नमस्ते, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है आप लोगों का अभिषेक संगीत यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को राग सुरंजनी का बहुत ही फेमस गाना बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, इस गाने को हम आप लोगों को हारमोनियम पे बजाना बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लोगे तो मेरी गारंटी है कि आपको एक ही बार में बड़ी आसान तरीके से समझ में आ जाएगा कि इस गाने को हारमोनियम पे कैसे बजाना है, और आप लोग बहुत ही आसान तरीके से हारमोनियम पे बजा भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी बजाने में अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लोगे, क्योंकि इस गाने को मैंने छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया है ताकि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाए। जिसको हारमोनियम पे कुछ भी बजाना नहीं आता है वो भी इस गाने को बड़ी ही आसान तरीके से प्ले कर लेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वॉल पर प्रेस कर लेना। तो आप वीडियो शेयर करते हैं। इस गाने को हम आपको पहले काले से बता रहा हूँ से हिसाब से। इस गाने की जो स्टार्टिंग होगी वो स्टार्टिंग होगी आपकी मंद्र सप्तक के पास है, और ये गाना जो है गाना राग सुरंजनी पे आधारित है। राग सुरंजनी की अगर बात करूँ तो राग सुरंजनी में कौन कौन से सुर लगते हैं? राग सुरंजनी में सुर लगते हैं सारे ग प द सा द प ग रे सा, ये है राग सुरंजनी का आरोह और अवरोह। अब देखेंगे इस गाने को कैसे बजाना है। सबसे पहले आप लोग इस गाने का अस्थाई का पार्ट देखेंगे, उसके बाद इसके आंतरे का। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। तो सबसे पहले इस लाइन का नोटेशन देखेंगे किसको कैसे बजाना है। हम आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बहारों, पहले बहारों का नोटेशन देखेंगे, कौन कौन सुर लग रहे हैं? सुर लग रहे हैं आपके पा प ध स, पा को आपको दो बार बजाना है पा प ध स बहारों। फिर इसके बाद क्या? इसके बाद है फूल। अब देखेंगे फूल का नोटेशन कहाँ से? सा से। सरे म ग, फूल में आपका लगेगा सा रे म ग, ये आपका बच जाएगा फूल। फिर इसके बाद क्या? इसके बाद है बरसाओ। बरसाओ ये कैसे बजाओगे? इसका नोटेशन देखेंगे कहाँ से? कोमल गा से। गा रे रे ग, अब रे को आपको दो बार बजाना है, एक बार दोबारा देखें। गा रे रे ग बरसाओ बरसाओ। फिर इसके बाद क्या? इसके बाद है मेरा मैं है मेरा मह, ये कैसे बजाओगे? पहले इसका नोटेशन देखेंगे। इसको खाली आपको गा पे ही बजाना है, गा को आपको बजाना है चार बार, देखना। गा 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 गा, गा को आपको चार बार बजाना है, आपका बज जाएगा मेरा मैं है। फिर इसके बाद क्या? इसके बाद है बूब बूब, ये कैसे बजाओगे? रेसा धा रेसा धा, बूब में आपका बजेगा रेसा धा बूब बूब। फिर इसके बाद क्या? इसके बाद है आया है आया है, ये कैसे बजाओगे? इसका नोटेशन देखेंगे कहाँ से? धा से। धा सा रे गा रे, आपके कौन कौन सुर लग रहे हैं? आपके सुर लग रहे हैं धा सा रे गा रे, ये आपका बज जाएगा आया है। फिर इसके बाद क्या? इसके बाद है मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, इसको दो बार गाया गया है और दोनों को अलग अलग तरीके से बजाना है। अब इसमें आपका शुद्ध गा भी लगेगा, इस लाइन में आपका शुद्ध गा भी लगेगा और कोमल गा भी लगेगा, ध्यान से देखेंगे। मेरा मेरा मेरा, ये आपका बजेगा रे रे सा मेरा रे रे सा मेरा। फिर महबूब महबूब महबूब, अब महबूब में कौन कौन से सुर लग रहे हैं? आपके लग रहे हैं सा रे गा रे, इसमें आपके सुर लग रहे हैं सा रे शुद्ध गा, इसमें आपका शुद्ध गा लग रहा है, देखना महबूब। फिर आया है इसमें कौन कौन से सुर लग रहे हैं? इसमें आपके सुर लग रहे हैं रे गा रे सा
आया है। इसमें आपके सुर लग रहे हैं रे और कोमल गा रे सा, देखना रे गा रे सा आया है आया है। इस प्रकार से आपका बजेगा मेरा महबूब आया है। तो ये आपकी फर्स्ट वाली लाइन कंप्लीट हो गई। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। फिर इसके बाद क्या, इसके बाद है हवाओं राग निगाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। तो ये लाइन सेम आपकी एक ही प्रकार से बजेगी, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है और हवावो रागनी गावो मेरा महबूब आया है। ये थी आपकी अस्थाई की लाइन। अब देखेंगे इसके आंतरे की लाइन को, किसके आंतरे को कैसे बजाना है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो और एक अच्छी सी कमेंट भी कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आपको इसी तरीके के वीडियो आपको फ्री में मिलते रहें। तो आओ आप देखते हैं इसके आंतरे को, आंतरे को कैसे बजाना है। वो लाली फूल की मेहंदी लगाई गोरे हाथों में। तो ये लाइन आपकी आंतरे की है। अब इसको कैसे बजाओगे, इसका नोटेशन देखते हैं। कहाँ से, पा से। वो लाली फूल, वो लाली फूल, ये कैसे बजाओगे पहले इसका नोटेशन देखेंगे, फिर इसके आगे देखेंगे। पा पा द ग पा। अब यहाँ पे आपको पा को दो बार बजाना है, एक बार इसको दोबारा देख लें ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे पा पा द ग पा वो लाली फूल। फिर इसके बाद क्या, इसके बाद है की मेहंदी, की मेहंदी, ये कैसे बजाओगे इसका नोटेशन देखेंगे। कहाँ से, पा से। पा ध ग पा ध ग। फिर इसके बाद क्या, इसके बाद है लगाई इन गोरे हाथों में, लगा इन गोरे हाथों में, ये कैसे बजाओगे इसका नोटेशन देखेंगे। कहाँ से, गा से। गारे गारे सा सा धा गारे गारे सा सा। एक बार इसको दोबारा स्लो देख लें ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे गारे गारे सा सा धा गारे गारे सा सा लगाई ने बोले हाथों में। एक बार इस लाइन को दोबारा फास्ट पूरे एक साथ में देख लो ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे वो लाली फूल के मेंदी लगाई ने बोले हाथों में। फिर इसके बाद क्या, इसके बाद है उतर आए घटा का जल सजाई प्यारे आँखों में। तो ये लाइन सेम आपकी एक ही प्रकार से बजेगी, कौन कौन सी। वो लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उत्तर आए घटा काजल सजाई इन प्यारी आँखों में, ये दो लाइनें सेम एक ही प्रकार से बजेंगी, देखना। वो लाली फूल के मेहंदी लगाई ने गोरे हाथों में, उतर आए घटा काजल सजाई के बाद क्या, इसके बाद है सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। तो ये भी लाइन सेम आपकी एक ही प्रकार से बजेगी जैसे आपने प्रथम लाइन बजाई थी, और इसके आगे के जितने भी आंतरे हैं सारे आंतरे सेम इसी प्रकार से बजेंगे। इसलिए मैंने आपको सिर्फ एक ही आंतरा बताया हुआ हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो सके।
तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और एक कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।